नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेंस के विषय में। वेरिकोज वेंस आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हम देखते हैं हमारे क्लिनिक पे इसके 5 मरीज लगभग रोज आते हैं। आज का जो लाइफ स्टाइल है वो व्यक्ति का खड़े रहने वाला हो गया है, और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज बड़े बड़े मॉल्स में सब जगह पर कुर्सियां नहीं पड़ी होती हैं। मतलब मानव अधिकार का बहुत बड़ा हनन होता है कि जो ये मॉल वाले हैं वो ये चाहते हैं हमारा एम्प्लॉय ना बैठे, आने वाला ना बैठे। आने वाला तो चलो समझ में आता है, शोरूम 5 मिनट के लिए आएगा चला जाएगा, लेकिन जो बच्चियाँ मॉल्स में काम कर रही हैं, बड़े बड़े शोरूम्स में काम कर रही हैं, जो नौजवान बड़े बड़े मॉल्स में काम कर रहे हैं, वो सुबह रात से रात 10 बजे तक खड़े रहते हैं, उनके बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती है। तो यह सारी स्थितियां जन्म दे रही हैं वेरिकोज वेंस को, इसलिए यह बहुत कॉमन है और इसीलिए मुझे लगता है कि 5 मरीज रोज हमारे क्लिनिक इसके आते हैं। हम आपको बताएंगे वेरिकोज वेंस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ और आपके ऑपरेशन को बचाने की, सर्जरी को बचाने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों बताते हैं वेरिकोज वेंस होती क्या है। वेरिकोज वेंस साथियों वह कंडीशन होती है कि जहां पर आपकी वेंस में ब्लड जा तो रहा है लेकिन ब्लड जो है वह वापस पंप नहीं हो रहा है हार्ट की तरफ। अब जो यह कंडीशन होती है तो यही कंडीशन वेरिकोज वेंस कहलाती है। नॉर्मली यह पैर में होती है लेकिन यह वेरिकोज वेंस शरीर में कहीं भी हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि पैर आपका सबसे एक हार्ट से दूर ऑर्गेन होता है, कहना चाहिए हार्ट की पंपिंग के असर से, इसलिए इसका ज़्यादा दिक्कत पैर में पाया जाता है। आते हैं इसके कॉजेस के विषय की तरफ। इसका कॉज साथियों वही होता है कि जब आपका ब्लड जो गया है वह ब्लड पैर तक गया है, पेरिफेरल एरिया में गया है और वह ऊपर नहीं पंप हो पाता है। आमतौर पे जो हमारी मसल्स होती हैं और पैर की या जहाँ भी वेरिकोज वेंस है उसके आसपास की, वो ब्लड को ऊपर की ओर पंप करती हैं, लेकिन कभी कभी यह मसल्स ठीक से ब्लड को ऊपर नहीं पंप कर पाती हैं और ब्लड पूल होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है वेंस में। उस स्थिति में वेंस टॉर्चरस हो जाती हैं और छोटे छोटे वेल्स होते हैं वेंस में, वह वेल्स ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। तो जब यह वेल्स खराब हो जाते हैं यानी ब्लड बैक की तरफ आने की कंडीशन में हो जाता है और वेंस ब्लड को ऊपर पंप नहीं कर पाती हैं, उस स्थिति में वेरिकोज वेंस उत्पन्न होता है। इसके सिम्टम्स साथियों, सिम्टम्स इसके आपने अक्सर देखे होंगे कि पैर में लगता होगा एक टॉर्चरस टाइप वेंस है, आपस में उलझी हुई वेंस का गुच्छा है, स्किन में ब्लूनेस आ गई है, पैर में नीचे रखने में दर्द हो रहा है, या थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशन में होता है और जब भी पैर ज़्यादा देर नीचे रखा तो सारी वेंस दिखने लगी। यह कंडीशन आपको अगर हो रही है तो यही सिम्टम है वेरिकोज वेंस का। इसको जांच करने के लिए वेंस का कलर डॉपलर एक जांच होती है। कलर डॉपलर कराने से आपको अपने वेंस की वास्तविक स्थिति पता लग सकती है या पता लग जाती है। बहरहाल यह समस्या अगर है तो इसको दूर करने की दवा भी है, आपको सर्जरी को रोकने की दवा भी है। हम आपको बताएंगे इसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में, लेकिन उससे पहले साथियों आपको फिर हम आगाह कर दें कि यह आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी दवा को एक्सपेरिमेंट के तौर पर ना लें, एक कुशल चिकित्सक से दवा को प्रिस्क्राइब कराएं और प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दवा लें, उससे आपका बेहतर इलाज होगा, परमानेंट इलाज होगा और आपका ऑपरेशन भी होम्योपैथी के माध्यम से बच जाएगा। चलते हैं साथियों, आपको बताते हैं होम्योपैथी में वेरिकोज वेंस को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे प्रीमियम दवा साथियों जो होम्योपैथी में वेरिकोज वेंस को ठीक करने की है वह है हेमिमेलिस। आप हेमिमेलिस 30 दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपके वेरिकोज वेंस हुआ हो, वहां पर वेंस आपकी टॉर्चरस हो गई हो, लगता है कि बिल्कुल गर्म हो गई हो और पूरा उभार के बाहर की ओर दिखती हो, एक अच्छी खासी कंडीशन वेरिकोज वेंस की हो, अगर वह स्थिति आप में है तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में हेमिमेलिस 30 से अच्छी दवा नहीं हो सकती। आप हेमिमेलिस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि आपके वेरिकोज वेंस में फ़ायदा मिलने लगा और आप ठीक होने की तरफ
बढ़ने लगे। बहुत कॉमन कंडीशन जो कि वेरिकोज वेंस के साथ जुड़ी होती है वह है वेरिकोज अल्सर। तो अगर आपको वेरिकोज अल्सर हो रहा है, वेरिकोज वेंस आपको काफ़ी वक्त से बना है, फिर उसके बाद आपको घाव होना शुरू हो गए, इसमें से आपको नीले रंग का पड़ गया, पूरा पैर नीले रंग का पड़ गया, उसमें घाव होना शुरू हो गए, उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा लेकैसिस है। आप लेकैसिस वेन ई एम पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। जब आपके वेरिकोज वेंस के कारण वेरिकोज अल्सर हो गया हो, उसमें ब्लूनेस हो और आपको उससे तकलीफ हो रही हो, उस स्थिति में आपको लेकैसिस 1 EM 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आपके रेस्क्यू पे आएगी और आपको ठीक करेगी। फिर साथियों एक और कंडीशन आती है जिसकी होती स्पाइडर वेंस। यह वेरिकोज वेंस का हल्का रूप होता है, वेंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती हैं लेकिन हल्की हल्की वेंस लगता है, आपस में निट हैं और वो स्किन के नीचे ऊपर से दिखती, आपको आईज से देख सकते हैं। अगर यह कंडीशन आप में हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा कार्बोवेज वेजिटेबल्स है। कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें। जब आपके यहाँ स्पाइडर वेंस का केस हो, यानी वेंस महीन महीन ऊपर तो आ गई, टॉर्चरस तो हो गई लेकिन वो उभार वाली और कड़ी वाली नहीं दिख रही हैं, वह स्पाइडर वेंस है और कार्बोवेज 30 उसकी दवा है। एक कंडीशन साथियों वेरिकोज वेंस में आती है जब आपकी वेंस बहुत पेनफुल होने लगी। अगर आपके वेंस में दर्द हो रहा है, वेरिकोज वेंस की कंडीशन में आपके वेंस बड़ी टॉर्चरस हो गई, उसमें दर्द हो रहा है, उसमें क्रैम्प आ रहे हैं, उस स्थिति में होम्योपैथी में वेरिकोज वेंस को आराम देने की और ठीक करने की बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला। पल्सेटिला नाइग्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके वेरिकोज वेंस हुआ हो और जो वेंस हैं वो पेनफुल हो रही हो, उनमें क्रैम्प्स आ रहा हो, उनमें खिंचाव आ रहा हो, उनमें ऐठन हो रही हो, तो पल्सेटिला 30 पावर की दवा जो है यह आपके रेस्क्यू के लिए आएगी और आपको ठीक कर देगी, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसी मुझको उम्मीद है। पल्सेटिला के मरीज को बेसिकली प्यास नहीं लगती है, वह कंपनी में लोगों के साथ रहना चाहता है, अकेलापन उसे बुरा लगता है और उसको सांत्वना से आराम मिलता है। तो यह सारे सिम्टम्स अगर आप में पाए जा रहे हैं, पल्सेटिला का मरीज मृदभाषी भी होता है, तो अगर यह सिम्टम आप में पाए जा रहे हैं तो आपको होम्योपैथी में वेरिकोज वेंस को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा आपके लिए पल्सेटिला है। तीसरी कंडीशन आती है साथियों आपके वेरिकोज वेंस हुआ हो और बहुत आपके सख्त हो गई हो, वेंस कड़ी हो गई हो, गांठें बनती हुई दिख रही हो, तो अगर यह स्थिति आप में होती है या मैं कहूँगा कि कोई भी स्थिति वेरिकोज वेंस की है तो ये जो हार्ड वेंस और नॉटी वेंस सख्त वेंस को दूर करने में आपकी सबसे अच्छी कारगर दवा है कैल्केरिया फ्लोर। अब कैल्केरिया फ्लोर 6-6 पावर में 4-4 टेबलेट, ये क्योंकि ये बायोकेमिक दवा है तो यह टैबलेट फॉर्म में आपके पास आएगी, इसका आप 4-4 टैबलेट दिन में 4 बार ले लें, आप देखेंगे कि जो आपके हार्डनेस है, नॉटी गांठ है ऐसी वेंस में, यह जो है ठीक हो गई, आपकी वेंस मुलायम पड़ गई और धीरे धीरे फिर इनका उभार कम होने लगेगा और ये आप ठीक होने लगेंगी। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि आपके वेरिकोज वेंस है और कोई पेन नहीं हो रहा, तो अगर आपके वेरिकोज वेंस है उसमें कोई पेन नहीं हो रहा लेकिन वेरिकोज वेंस बना है और आपका शरीर थुलथुल मोटा और गोरा है, तो उस स्थिति में आपको रिलीफ देने की, आपको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा कैल्केरिया कार्प है। आप कैल्केरिया कार्प 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका पेनलेस वेरिकोज वेंस ठीक हो गया। अगर यह सिम्टम है तो आपकी वेरिकोज वेंस ठीक हो गई और आप अपने में आराम पा गए। एक स्थिति साथियों आती है कि अभी आपके वेरिकोज वेंस हुआ नहीं लेकिन आपको एहसास होने लगा है आपकी नसें थोड़ा थोड़ा दिख रही हों, तो अगर आपके स्टार्टिव और प्रिवेंशन के लिए आपको होम्योपैथी में कोई दवा चाहिए तो वह दवा भी है और दवा का नाम है पल्सेटिला। आप पल्सेटिला नाइग्रा 30 पावर में 2-2 बूंद उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके वेरिकोज वेंस आने की स्थिति हो और आपको उसको प्रिवेंट करना हो कि वो और उभार ना आए, और जो है वो तो वक्त के साथ ठीक हो ही जाएगा अगर वो और बढ़ेगा नहीं, तो उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा पल्सेटिला है। आप पल्सेटिला 30 का इस्तेमाल करके लाभ पा सकते हैं।
फिर एक स्थिति आती है कि जब आपके वेरिकोज वेंस है और जहां आप उसमें गर्मी में गए, आपने सिकाई कर ली, तो वेंस में पेन होने लगा, दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी। तो अगर यह कंडीशन आपकी होती कि गर्मी के एक्सपोजर से आपकी वेंस में तकलीफ होती है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम। एसिड हाइड्रोफ्लोर 30 पावर में आप दिन में 3 बार 2-2 बूंद ले लीजिए। जब आपको गर्मी से तकलीफ पड़ती हो, जलन होती हो, कोई भी दवा जो एसिड फैमिली की है उससे आपको जलन और गर्मी से तकलीफ पड़ेगी, तो यह स्थिति आप में हो तो आप एसिड फ्लोर 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए, आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा। फिर एक स्थिति आती है कि आपके वेरिकोज वेंस हो, उसमें खुजली हो रही हो, बार बार आपको खुजलाना पड़ता हो, इचिंग हो रही हो, तो अगर यह स्थिति आप में है कि आपके वेरिकोज वेंस है और आपको वेंस को बार बार खुजलाना पड़ रहा है, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा ग्रेफाइटिस है। आप ग्रेफाइटिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यदि आप थोड़े फैट एंड फ्लैबी हैं, मोटे और थुलथुल हैं, आपका पेट अक्सर खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन की स्थिति आपकी बनी रहती है और आपके वेरिकोज वेंस है जिसमें कि खुजली मच रही है, इचिंग हो रही हो, उस कंडीशन में आप वेरिकोज आप वेन ठीक हो जाएगी जब आप ग्रेफाइटिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लेंगे। फिर साथियों, होम्योपैथी में एक और स्थिति आती है कि जब वेरिकोज वेन से ब्लीडिंग होने लगी, अगर वेरिकोज वेन से ब्लीडिंग होने लगे तो उसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है उस ब्लीडिंग को रोकने की और वेरिकोज वेन्स को भी ठीक करने की, और वह है सल्फर। आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। जब आपको ब्लीडिंग हो रही हो, वेन्स से खून बहने की स्थिति आपके आ गई हो, तो सल्फर आपकी रेस्क्यू के लिए आएगी और सल्फर और हेमेमेलिस मिलके आपको ठीक करेगी। फिर एक कंडीशन आती है साथियों की, जब आपको पैर में जो वेन्स है, जो उलझी हुई टॉर्चरस वेन्स है, आपस में नॉट करी हुई, गांठ बंधी हुई, वह लगता है फट जाएंगी, तो अगर यह स्थिति आपको हो रही है कि आपको लग रहा है आपकी वेन्स फट जाएंगी, इतनी टॉर्चरस है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा वाइपेरा है। आप वाइपेरा 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपकी यह स्थिति ठीक हो जाएगी जो कि आपके टॉर्चरस वेंस के कारण हो रही है, जब वह जो है बहुत ज़्यादा फटने वाला सिम्टम आपको दे रही हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेंस हो गया, तो अगर हमारी माताओं बहनों को किसी को वेरिकोज वेंस प्रेगनेंसी के दौरान हुआ हो या हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा मिलीफोलियम है। आप मिलीफोलियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप पाएंगे कि आपका वेरिकोज वेंस ठीक हो गया उस कंडीशन। यह साथियों कुछ दवाएं थी वेरिकोज वेंस के विषय में। वेरिकोज वेंस में कुछ सावधानियां भी रखना बहुत आवश्यक होता है। मैं आपको 4-5 बातें इस विषय में बताना चाहूँगा, उसके बिना ये वीडियो इनकम्प्लीट माना जाएगा। पहली सावधानी जो आपको वेरिकोज वेंस के केस में रखनी है वो यह है कि आप ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें, और ज़्यादातर बैठे भी हैं तो आप एक स्टूल या चौकी को रख लें जिससे आपका पैर हॉरिजॉन्टल पोर्शन में आ जाए। इससे जो आपका ब्लड का फ्लो है वो वापस हार्ट की तरफ जाने में मदद मिलेगी, और ये वेरिकोज वेंस का एक मैनेजमेंट भी है। तो जब भी बैठें तो अपने पैरों को हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरह ज़मीन से पैरेलल रखने की कोशिश करें। दूसरी प्रिकॉशन जो आपको वेरिकोज वेंस की कंडीशन में लेनी है, टाइट सॉक्स ना पहने, मुलायम सॉक्स, वो जो नाइकी या एडिडास या तमाम अन्य कंपनियों के महंगे, थोड़े थोड़े से महंगे होते हैं वो सॉक्स आते हैं जिनमें इलास्टिक नहीं होती ज़्यादा, वह सॉक्स आप इस्तेमाल में लाएं, आपका वेरिकोज वेंस नहीं बढ़ेगा और उसमें आराम मिलेगा। तीसरी बात यह है कि आप जब रात में लेटें तो पैर पे पतला सा नीचे तकिया लगा लें, पतला सा पिलो लगाने से, बहुत पतला सा पिलो लगाने से जो ब्लड फ्लो है वो आपका पैर से ऊपर की तरफ स्वतः आता रहेगा और आपको वेरिकोज वेंस को ठीक होने में मदद मिलेगा। चौथा प्रिकॉशन साथियों ये है कि आप मल्टीग्रेन आटा खाएं। अपने बॉडी को आपको डिटॉक्स करना है, और डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है मल्टीग्रेन आटा, यानी बेसन, बाजरा, जौ, चना, यह मिला के उस आटे का आप रोटी बना के सेवन करें उसको खाने में, उससे भी आपके वेरिकोज वेंस में आराम मिलेगा। पांचवी बात ये साथियों, जो आपका फुट है, पैर है, उसको थोड़ा नीचे जो फुट होता है, ये मान लीजिए फुट है, तो इसको पंप करते रहें। इसको पंप करने से, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आपका जो ब्लड नीचे पुल अप हो रहा है वह नहीं होगा, और इसको पैसिव हार्ट बीटिंग कहते हैं, इसको पैसिव हार्ट कहते हैं।
तो पंपिंग करते हैं। तो आप पैसिव हार्ट पंपिंग जब करेंगे तो आपका ब्लड ऊपर की तरफ पंप होगा और यही वेरिकोज वेंस का कारण है जब ये ब्लड पंप नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा सावधानी रखें, इनसे आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें आपको आपका क्वेरी का संतोषजनक जवाब देने में बड़ी खुशी मिलेगी और आपको भी शायद अच्छा लगेगा। अगर साथियों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, होम्योपैथी को आपके करीब लाने का यह प्रयास पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले हमारा नया सा नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका हमारे साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।